हूँ बॉस। एक नंबर भेज रहा हूँ, उसमें से वायरस रिमूव करना, ऐप डिलीट नहीं करनी। हो गया बॉस। जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। ओके ओके बॉस, बेगम हो जा। ओके अम्मी, मैं हूं शम्मू। आपको तो नींद में भी रूही का ही ख्याल आता है। आपको कैसे हमारी खिदमत का ख्याल आ गया? ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ रूही की माँ हैं। हमें तो भूल गए आप। अच्छा ये बताएं कि इस खिदमत का क्या मुआवजा पेश किया जाए? अम्मी, मुझे एक सिफारिश करवानी है आपसे। सिफारिश? किससे? अब्बू से। बाहर स्टडीज के लिए मुझे इजाजत चाहिए अम्मी। अम्मी सारा इंतजाम हो गया है, बस कुछ पैसे और सिर्फ इजाजत। उठाइए, अचानक बैठे बिठाए बाहर जाने का भूत कैसे सवार हो गया आपके सर पे? अम्मी मैं अपना एक क्लोथिंग ब्रांड खोलना चाहती हूँ और मैं बगैर पढ़े कुछ नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मुझे फैशन और टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में सब पता हो। आपको पता है लंडन स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग में मेरे एडमिशन का भी हो गया है, सिर्फ वीजा लग जाए बस। अच्छा, इस बारे में तो फिर आप अपने भैया से बात करें, अगर वो कहते हैं हाँ तो फिर आपके अब्बा से हम बात कर लेंगे। मम्मी, आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? ने कहा ना, अगर रोहेल मान जाएंगे तो आपके अब्बू से हम खुद बात कर लेंगे, लेकिन परदेश और जवान लड़की तनहा। मी क्यों फिक्रमंद हो रही है? वहां पर उनका हॉस्टल है, वहां पर और भी पाकिस्तानी लड़कियां हैं। आपको पता है मेरी एक दोस्त की बहन भी है वहां पर। मम्मी अब आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, मैं खुद अपना ख्याल रखना जानती हूँ। अच्छा पैर तो दबाइए जी। ऐसी भी क्या बेरुखी, अब तो ऐसा लगता है कि हम पहले कभी मिले ही नहीं। माजी के झरोखों में से एक यादगार तस्वीर मिली थी तो सोचा तुम्हें भेजूं। खोल के देख तो लो, और अगर नहीं देखनी तो कल ये तस्वीर तुम्हारे स्कूल की तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल और घर के तमाम अफराद के सामने नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी।
अगर तुम कल मुझसे मिलने ना आई तो अब तुम्हें फैसला करना है। वैसे तस्वीर तो खोलो। बाय बेबी। कल ये तस्वीर तुम्हारे स्कूल की तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल और घर के तमाम अफराद के सामने नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। अगर तुम कल मुझसे मिलने ना आई तो तुम मुझे ऐसे फतह नहीं कर पाओगे जावेद। देखती हूँ तुम्हारी हद कहाँ तक है और कहाँ तक मेरी बर्दाश्त है।